सलामकुम दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग खरीय होंगे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जे सी ट्रिपल फोर का इंजन है दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने इस इंजन को डिसअसेंबल किया था दोस्तों आज मैं इस इंजन को असेंबल कर रहा हूं और इन इस वीडियो में आज मैं इसका मेन बैरिंग का टॉर्क का सस्फिकेशन बताऊंगा और इंजन का टाइमिंग का क्या प्रोसेस है दोस्तों दोस्तों सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं इसका जो ब्लॉक होता है दो पार्ट में होता है दोस्तों फर्स्ट पार्ट आप लोग देख सकते हैं जो अपर की तरफ आता है और सेकेंड पार्ट जहां हम इसका चैम्बर फिटिंग करते हैं दोस्तों इसी में इसका मेन बैरिंग होता है दोस्तों और इसके राउंडिंग के टेन नंबर के बोल्ट आते हैं दोस्तों जो इसका टॉर्क है दोस्तों 18 एल वी फूड पाउंड में हम इसको एक स्टेप में टॉर्क देंगे और इसका जो मेन बैरिंग का बोल्ट आता है दोस्तों आप लोग देख सकते हैं फ्लावर बोल्ट है और ये 10 बोल्ट होते हैं दोस्तों और इसको हम थ्री स्टेप में इसको टॉर्क देंगे फर्स्ट स्टेप में दोस्तों इसको हम 37 सेवन एल वी फूड पाउंड में देंगे और सेकेंड स्टेप में हम इसको एटी सेवन एल वी फूड पाउंड में देंगे दोस्तों और थर्ड स्टेप में हम इसको 180 डिग्री देंगे दोस्तों यानी 180 का एंगल देंगे दोस्तों और आप लोग देख सकते हैं इसका जो टाइमिंग का प्रोसेस है दोस्तों हमने इंजन को टॉप डिस्क सेंटर पर रखा हुआ है यानी इंजन हमारा पोजिशन पर है दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमने इंजन को यहाँ पर लॉक किया हुआ है क्रैंक साफ में एक होल आता है दोस्तों अभी देखेंगे इंजन हमारा थोड़ा भी मूव नहीं करेगा यानी हमने इंजन को पोजीशन पे रखकर लॉक कर दिया है दोस्तों आइए आपको फ्रंट टाइमिंग के बारे में बताते हैं दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इंजन हमारा पोजिशन पे है और जो क्रैंक साफ्ट होता है दोस्तों क्रैंक साफ्ट का गाइड का होल आता है दोस्तों और जो इसकी मेन गेयर है वो तो यहाँ पर एक गाइड है हम जब उसको पोजीशन पे रखेंगे हमको इसी पोजीशन पे इस गियर को फिक्स करना है दोस्तों और उसके बाद जो हमारा कैम साफ्ट है दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कैम साफ्ट का भी पोजीशन है अंदर में एक होल है दोस्तों इस होल में हमको मैच करना है यानी इस गियर का जो ये आप लोग देख सकते हैं ये क्वार्टर है और यहाँ पर कैंप शार्प्ट को हम इस पोजिशन पर रख कर लॉक करना है और ये आप लोग देख सकते हैं हमारा डीजल पम्प का गेयर है दोस्तों ये फ्री है और हमारा जो इसमें यूज़ हुआ है डीजल पम्प वो स्टैंडर्ड आइन मेड इन यूएसए का है दोस्तों हमने उसको ऑलरेडी पोजीशन पे रख कर हमने उसको लॉक कर दिया दोस्तों हमने इस इंजन के टाइमिंग पे हम उस डीजल पम्प को हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया दोस्तों दोस्तों बहुत ही इजी है इसका टाइमिंग आप लोग देख सकते हैं हमने क्रैंक शाप्ट को हमने पोजिशन पे ले लिया उसके बाद हमने कैम्पाप्ट को हम पोजीशन पे रख के हमने इसी को मिला दिया दोस्तों दोस्तों जो हमारा डीजल पंप है हमने उसको ऑलरेडी पोजीशन पे रख के हमने इंजन के टाइमिंग पे उसको फिक्स कर दिया दोस्तों यही इसका इंजन का टाइमिंग है दोस्तों बहुत इजी है और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और इन नेक्स्ट प्रोसेस के साथ में इनशाला मुलाकात होगा चलिए दुआ खैर में याद रखिए अल्लाह हाफिज़